नमस्कार मित्रों, आचार्य विनोद भरद्वाज लाल किताब के महाटोटके के अंतर्गत आज आपको एक विशेष जानकारी देने आया हूँ। क्या आप भी अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं? क्या अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं तो जानकारी लीजिए कि उसमें बांस तो नहीं लगा है, क्योंकि बांस निमित्तिक अगर आप अगरबत्ती से भगवान की पूजा करते हैं तो मानो आपका दुर्भाग्य आपके साथ चल पड़ेगा, क्योंकि बांस जो होता है वो भगवान नारायण का प्रतीक माना जाता है। भगवान नारायण को आप आग के हवाले करते हैं तो इसका वैज्ञानिक सिद्धांत भी है और धार्मिक महत्व भी है कि बांस एक ऐसी औषधि है, एक ऐसी लकड़ी है जिसे कि आग में जलाने से प्रदूषण होता है और उस प्रदूषण में इतने खतरनाक बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं कि हमें कैंसर तक पैदा कर सकते हैं हमारे जीवन में, अर्थात जीवन का अंत कर सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल सावधान हो जाएं, अगरबत्ती का प्रयोग निश्चित रूप से ना करें, क्योंकि हमारी शास्त्रीय मान्यता भी है। क्योंकि शास्त्र में अगर हम आए तो नारायण का प्रतीक माना गया है बांस को। बांस हमारे जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत मांगलिक कार्यों में यूज होता है। बिना बांस के हम कोई मांगलिक कार्य नहीं करते, क्योंकि विष्णु का प्रतीक है। उस विष्णु के प्रतीक को अगर आग में डालेंगे, क्योंकि आग का एक कार्य है मित्रों, अग्नि में कोई चीज डाली जाती है ना तो वो उस चीज के सूक्ष्म तत्व को हजार गुना कर देती है, अर्थात उसमें जो बांस में विषक्त स्थितियां हैं, जो बैक्टीरिया है, उस वो आपके घर में हजार गुना हो जाती है। अगर धार्मिक मान्यता में आते हैं तो बृहस्पति का प्रतीक बांस माना जाता है। अगर बांस को हम आग में डालते हैं तो हमारे घर के लोगों की बुद्धि अस्थिर हो जाती है, घर में झगड़ा लड़ाई का माहौल बन जाता है, लीवर से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, पीलिया से संबंधित बीमारियां होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। तो मित्रों, भूल करके भी अगरबत्ती मत जलाएं जिसमें कि बांस की स्टिक लगी हो। तो बहुत सारे हमारे मित्र सोच रहे होंगे कि आचार्य जी, अगर अगरबत्ती का प्रयोग ना करें तब किसका प्रयोग करें? आपको जानकारी दे दें, क्योंकि अगरबत्ती तो आज आई है, इसके पहले भी हमारे यहाँ पूजा पाठ होता था, क्योंकि आदि संस्कृति से हम लोग आते हैं, सबसे पहली संस्कृति हमारी है। तो हमारी संस्कृति में धूप दीप नैवेद्य का प्रयोग आदि काल से है। तो उस समय कैसे होता था धूप दीप, और धूप दीप होता ही क्यों है? क्योंकि धुआं जो होता है, धुआं किसी चीज़ को जब अग्नि अपने संसर्ग में लेती है ना, तो उसके सूक्ष्म तत्व को, अर्थात उसका जो वास्तविक गुण है, उसे हजार गुना कर देती है, स्थूल तत्व को राख बना देती है, उसे निस्तेज कर देती है। तो पहले भी धूप दीप इसीलिए होता था कि औषधि हम आग में डालते थे तो उसका जो सूक्ष्म तत्व था, उसकी जो महक थी, उसकी जो औषधीय गुण थे, वो हजार गुना हो करके हमारे घर में फैल जाते थे, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती थी। आज समय काल परिस्थिति में ऐसे धीरे धीरे अगरबत्ती आ गई, तो हम पीछे अपनी संस्कृति की ओर देखते हैं तो आप लोग गोबर का निश्चित रूप से गाय गोबर के गोबर का उपला ले आइए, उसमें कौड़िया लोहबान, गूगल, धूप अपने आप से बना के, जिसमें कि खस, नागर मोता, सुगंध बाला, सुगंध कोकिला, और आप जावित्री भी डाल सकते हैं, या सुगंधित औषधि, सुगंधित फल भी डाल सकते हैं, या पंचमेवा डाल सकते हैं, लौंग डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं, और कपूर का चूरा भी करके डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो सूक्ष्म तत्व है हजार गुना अग्नि के संसर्ग में होके फैल जाएगा और हमारे घर के वातावरण को शुद्ध कर देगा। तो इसलिए अगरबत्ती का प्रयोग आप लोग छोड़ें, क्योंकि अगरबत्ती में बांस लगा है तो वंश वृद्धि
भी रोक देता है, क्योंकि बांस से वंश वृद्धि होती है, आपके कुल में अच्छी संतानें आती हैं। तो बांस का प्रयोग आप लोग ना करें, भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आपको नहीं प्राप्त होगी। इसलिए आप लोग अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं तो इसे दूर करें। प्राकृतिक धूप आपको मिलती है, शुद्ध धूप देसी घी में अगर सनी हुई मिलती है उसका प्रयोग करें। जहाँ तक हो सके धूप का प्रयोग प्राकृतिक करें। प्राकृतिक स्थितियों में गाय के गोबर पे जो भी चीज़ें हैं, गाय का उपल पे आप डाल के अपने भगवान की को धूप दिखाएं। साथ ही साथ शाम के समय जब धूप दिखाएं तो अपने पूरे घर में आप उस धूप को घुमाइएगा, और मेरी गारंटी है कि आपको कितनी सुंदर नींद आती है, आपके परिवार के लोगों का मन मस्तिष्क कितना सुंदर हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। मित्रों, वीडियो को खूब शेयर करें ताकि अगरबत्ती, जो कि हमारी संस्कृति से कोई मेल नहीं है इसका, और ये मार्केट में खूब छा गई है, हमारे घर तक आके पहुँच जा रही है, तो ये हमारे संस्कृति से दूर हो, हमारी संस्कृति का ये अंग नहीं है, तो इसे दूर होना चाहिए। और निश्चित रूप से ये जब दूर होगी तो हमारे जीवन में खुशहाली आएगी। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।